संगीत सीखना कहाँ से शुरू करें, सबसे पहला स्टेप क्या हो, सबसे पहला लेसन क्या हो, सबसे पहला सबक क्या होना चाहिए, इस पर बहुत से सवाल आते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के एंड माँ बाप के जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि सर हम कैसे सिखाना शुरू करें, कहाँ से सिखाना शुरू करें, और स्टूडेंट भी सीखना शुरू कर रहा है तो सबसे पहले क्या सीखा जाए उससे, इसको लेकर बहुत से सवाल हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो आज पूरा वीडियो देखेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बातें हैं, कुछ मानसिकताएं हैं और कुछ एक्चुअल लेसन्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि ये लेसन आपको सबसे पहले सीखना चाहिए। लेकिन उस लेसन को भी सीखने से पहले आपकी मेंटालिटी, मानसिकता या नज़रिया कैसा होना चाहिए संगीत के प्रति, उसको हम समझेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। जाम आँखों से जब छलका तो समझा चढ़ गई है, बहुत आए तो समझा चढ़ गई है। जैसे ही किसी बड़े से मकाम पर, किसी स्टेज पर हम किसी कलाकार को देखते हैं, हमारे मन में इंस्पिरेशन जागती है कि हमें भी ऐसा करना है। जैसे ही हम इम्प्रेस होते हैं कि यार क्या बात है, इतनी सारी भीड़ वो भी इस कलाकार को, एक कलाकार को सुन रही है, इतना नाम, इतनी शोहरत। एक ये रीज़न होता है संगीत सीखने का। एक होता है कि संगीत से आत्मशांति मिलती है। जब हम संगीत को गाते बजाते हैं, जब हम रागों में फिरत करते हैं, इतना कुछ डूब जाते हैं, तो मेडिटेशन होता है, स्पिरिचुअलिज्म कनेक्शन है, आत्मशांति है, सुकून है, सेटिस्फैक्शन है। कई लोग तो ये भी कहते हैं डोपामीन है हमारे लिए। एक ये नज़रिया है संगीत को सीखने का। एक, छुट्टियाँ पड़ी हैं तो शौकियाना आप समर वेकेशन में जो है एज अ हॉबी ज्वाइन कराना चाहते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट आ जाए, कुछ गाना आ जाए, ऐसी गाना गाना गुनगुनाना आ जाए, बाकी काम तो हमारा कुछ और ही कराना है। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, टीचर बनाना है, या फलां किसी भी फील्ड में डालना है, लेकिन संगीत शौक क्या सिखा रहे हैं। एक ये नज़रिया है। देखिए, लोग मुझे एक इल्ज़ाम मुझ पर धरते हैं कि मैं बातें बड़ी करता हूँ, बकबक बड़ी करता हूँ, बोर कर देता हूँ, टॉपिक पर नहीं आता। लेकिन ये जो बातें हैं, ये बातें क्यों ज़रूरी हैं, ये मैं आज आपको बताता हूँ। संगीत की पहली क्लास, दूसरी क्लास हम लोग ज्वाइन करते हैं, जैसे ही जुड़ते हैं हमें पहले ही सारे गमा पधा निसा, लय ताल तो खैर कोई नहीं सिखा रहा है ना, हमारे अलावा हम ही उस पर गौर कर रहे हैं, अलंकार सिखाए और चंद दिनों में रागों पर आ गए कि चलो अब राग ये फलां राग है, ये भाई आलापतान है, ये याद कर लो। जैसे ही उससे बोर हुआ विद्यार्थी, गीतों पर आ गए कि आइए ये गीत है आपका मनपसंद का, लाइए 5 गीत लाके दीजिए, मैं उसके नोटेशन दूंगा, आप याद कीजिए, या गीत तैयार कराने लग गए। ये पैटर्न बन चुका है म्यूज़िक क्लासेस का। कोई बात नहीं करता है जब विद्यार्थी पहली बार क्लास में आया है, तो उससे ये बात करना, कुछ चंद सवाल करना, सबसे पहला आप संगीत से क्या समझते हैं, संगीत मतलब क्या है आपके मानसिक स्तर में, संगीत का मतलब क्या सिर्फ गीत है, जैसा कि मेरे पिताजी कहते हैं कि हम लोग गीत नहीं संगीत सिखाते हैं, और आपको गीत नहीं संगीत सीखना होता है, संगीत से गीत की तरफ आपको जाना होता है। तो ये क्या वाक्य हुआ, ये क्या बात हुई कि संगीत और गीत अलग अलग हैं क्या? उमूमन लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ अलग अलग हैं। तो क्या समझते हैं संगीत से, सबसे पहला सवाल आप अपने आप से ये करते हैं। दूसरा सवाल, आप क्यों सीखना चाहते हैं संगीत, वजह क्या है, मकसद क्या है। मकसद जैसे ही क्लियर होता है, वैसे ही हाओ का जवाब मिल जाता है। जैसे ही वाय का जवाब मिलता है कि संगीत क्यों सीखना है, तो हाओ का जवाब मिलेगा कैसे सीखेंगे फिर, और फिर व्हाट का सवाल आता है कि क्या सीखेंगे फिर उसमें। समझ रहे हैं, आपके मकसद अनुसार है। हमें शौकियाना सिर्फ 4 महीने के लिए संगीत सीखना है, 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों में संगीत सीखना है, या हमें कलाकार बनना है। कलाकार भी हमें कैसा बनना है, क्या हमें शास्त्रीय संगीत का कलाकार बनना है, क्या हमें सुगम गायन कलाकार बनना है, क्या हमें ऐसे ही अपना लोकल लेवल का कलाकार बनना है, सिर्फ रीजनल गाने गाने हैं। सबसे पहले मकसद, वाय, मोटिव, क्यों, इसके जवाब मिलते हैं। जब इन पर बात की जाती है, तब एक टीचर भी विद्यार्थी की मानसिकता समझता है, और एक विद्यार्थी भी संगीत की मानसिकता समझता है कि टीचर किस सेंस में सिखाना चाह रहा है। इन बातों पर अगर बात नहीं होती है तो कन्फ्यूजन होता है। वो कहते हैं ना, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो सेम पेज तो क्या, हम अलग अलग किताबों में होते हैं। पेज तो एक किताब का एक पेज पे आने में वक्त लग जाता है गुरु शिष्य को भी,
क्योंकि यहाँ भी एक रिश्ता बनता है कि मैं आपको सिखाऊंगा तो आपकी मेंटालिटी, मानसिकता मुझे पता होनी चाहिए कि आप संगीत को किस स्तर से देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए और मैं आपको सिखाना तो शुरू कर दिया मैंने एकदम अपने मन अनुसार कि जो मैं समझता हूँ संगीत से, आपको पता ही नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि रियाज के फ़ायदे जानो पहले, उसके नुकसान जानो पहले, तो लोगों को बोरियत होती है कि अरे यार सीधा सीधा रियाज बताओ। जब मैं कहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत क्यों सीख रहे हैं उसको जानो, गीत क्यों सीख रहे हैं उसको जानो, तो लोगों को लगता है कि अरे यार इस पर क्यों बात कर रहे हैं, सीधा सीधा मटेरियल दो ना, कंटेंट दो ना। ये कंटेंट आपको दुनिया में कोई भी दे सकता है, यूट्यूब पर हजारों लोगों ने दे रखा है, किताबों में अवेलेबल है, ऑफलाइन गुरुओं के पास अवेलेबल है, लेकिन इन बातों पर कोई बात नहीं कर रहा है कि क्यों सीखना चाहिए, नज़रिया क्या है, मकसद क्या है, परसेप्शन आपका क्या है। अगर आपको दृष्टिकोण ही तय नहीं है संगीत को सीखने का, तो आप क्या सीख रहे हैं। तो संगीत सीखना शुरू कहाँ से करें, उसके सवाल का जवाब में सबसे पहले इन पांच सवालों के जवाब आते हैं, ये चार पांच सवालों के, कि सबसे पहले आप संगीत से क्या समझते हैं, फिर आप संगीत क्यों सीखना चाहते हैं, उसके बाद जवाब मिलेगा कैसे सीखेंगे, उसके बाद जवाब मिलेगा क्या सीखना होगा उसमें, फिर आप आते हैं कि किससे सीखना है। तो ये कुछ चार पाँच सवाल हैं जिनके जवाब जब आपको मिल जाएँ तब आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाता है कि क्या सबसे पहले सीखना है। मगर फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप किसी भी प्रकार से संगीत सीखना चाहते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको सीखनी होंगी, भले ही आप हॉबी, भले ही आप करियर, भले ही आप बॉलीवुड, भले ही आप शास्त्रीय संगीत के कलाकार, भले ही आप सुकून के लिए सीख रहे हैं। लोग कहते हैं क्रैश कोर्स बना दीजिए थोड़ा संगीत का, तो क्रैश कोर्स कैसे बनाया जाए, मैंने बताया ना ये समुद्र है, संगीत एक समुद्र है सब कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ संगीत एक समुद्र तो है ही है, लेकिन इसमें से कितना किसको लेना है वो उसकी क्षमता पर निर्भर और उसके नसीब पर निर्भर करता है। आप इस समुद्र के पास एक बाल्टी लेकर आए हैं, एक टैंकर लेकर आए हैं, या आप समुद्र के किनारे पर ही रहना चाहते हैं, और या फिर आप उस समुद्र में अपनी नाव लेके चल पड़े हैं कि अब मैं इसका मंथन करूँगा, और आप डीप डाइविंग कर चुके हैं, स्कूबा डाइविंग जिसे कहते हैं, कि अब मुझे ऊपर नहीं आना है, मुझे अंदर ही सफ़र करना है और देखना है, सफ़र उर्दू वाला सफ़र SUFFER वाला नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं समझने के, जब आप संगीत को अच्छे से समझेंगे तब सीखना शुरू कीजिए। आपका मकसद ही क्लियर नहीं है, आप बॉलीवुड आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आप एक क्लासिकल के सिंगर के पास चले गए सीखने के लिए, अब वो आपको क्लासिकल तो करा रहा है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि हम ये जो क्लासिकल की चीज़ें कर रहे हैं यही हमारा ग्रामेटिकल बेस है और इसी की वजह से हम गीत भी गा पाएंगे। अगर ये आपको मालूम ही नहीं, अगर मैं कहता हूँ लय सीखें, मैं लय सिखाना शुरू कर दिया, चलो ये ताल है गिनो इसे, 1 2 3 4 करो, अलग अलग तालों को रटो, अलग अलग लयों को रटो, आपको पता ही नहीं हम ये क्यों सीख रहे हैं। तो क्यों का जवाब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, तब ही आपका दिलचस्पी रुचि जगती है। जब आपको ये मालूम चलता है ये आगे कहाँ काम आएगा, अगर मैं लय सिखा रहा हूँ तो ये मालूम होना चाहिए लय आगे कहाँ काम आएगी, अगर मैं बारीकियाँ बता रहा हूँ लयकारी की तो आगे कहाँ काम आएगी। ये मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहा हूँ और मेरे फेलो टीचर्स के लिए भी, जो हम लोग सिखाते हैं संगीत, तो हमें ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। लोग भले ही कितना ही समझते हो कि यार ये तो मैं तो क्या बकवास टॉपिक्स बनाता रहता हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो कर ही नहीं रहा हूँ, मगर ये ज़रूरी हैं, ये लोगों की मानसिकता सेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको कि हाँ इस वजह से हमें सीखना है, इस वजह से मैं ऐसे वीडियोज़ पर ज़्यादा गौर करता हूँ, क्योंकि मटेरियल मैं पहले ही दे चुका हूँ। एपिसोड सीरीज़ उठा के देख लीजिए, सब अवेलेबल है, राग थाट पिच अलंकार ताल क्या नहीं है जो हमने नहीं सिखाया, सब कुछ सिखा चुके हैं, और नए नए हम कलाकारों से मिलकर और सिखा रहे हैं, प्रस्तुति पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो मानसिकता के सवाल हैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि क्यों सीखना चाहिए, तो कैसे सीखेंगे अपने आप आ जाता है। अगर आपको क्लासिकल आर्टिस्ट बनना है तो फिर समर्पण है, फिर तो गुरु जो बता रहे हैं वो आपको सीखना है, फिर वो आपको एक एक चैप्टर की लय की सुर की बारीकी देते जा रहे हैं, आप लेते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको बनना ही नहीं है, आपको हॉबी के लिए सीखना है, तब भी वो चीज़ें आपको सीखनी है, लेकिन कितने स्तर तक उसका पैमाना, जैसे कि मैंने बोला इस समुद्र के पास बाल्टी लेके आए हो आप या टैंकर लेके आए हो, वो आपके ऊपर है, तो आप कितना लेकर जाओगे। मैं लय सिखाऊंगा मगर लय आपको कितनी सीखनी है, लयकारी आपको कितनी गहराई में सीखनी है, सुर की बारीकी कितनी गहराई में जाननी है, रागों का चलन, उनकी प्रकृति, उनका गायन, उनकी गायन शैली किस प्रकार से कितनी डिटेल में जाननी है, यह तय करेगा कि आपको क्यों सीखना है, मकसद वो तय करेगा कि मैं कितनी गहराई में सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो कुछ मानसिकता की बातें हो गई, अब आते हैं कुछ फिक्स चीज़ों पर जो हमें सीखना ही समझना ही होता है। दो चीज़ें हैं, स्वर ज्ञान लय ज्ञान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तीन स्तंभ हैं, सुर लय ताल,
ये तीन स्तंभ पर पूरी संगीत की इमारत टिकी है। अब वो किसी भी प्रकार का संगीत हो, वेस्टर्न हो, क्लासिकल हो, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, फिल्मी, नॉन फिल्मी, गजल गीत, भजन, ठुमरी, कव्वाली, कुछ भी सीखना हो, चैती, दादरा, कुछ भी गाना हो आपको, ये बेसिक तो आपको करना ही होगा। जिसमें सबसे पहले हम लय यानी स्पीड, गति को समझते हैं, फिर हम सुर को यानी साउंड को समझते हैं, और ताल यानी बीट साइकिल्स को हम समझते हैं। इन्हीं तीन नियमों में बंधा हुआ है संगीत, इनसे बंधा हुआ, इनसे ऐसा नहीं स्वच्छंद है कि आप लय नहीं होगी तब भी चलेगा, सुर नहीं होगी तो भी चलेगा, ताल नहीं होगी तो भी चलेगा, नहीं, इन नियमों का पूरा पालन करते हुए संगीत चलता है, कोई सा भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि लय किसे कहते हैं, लय की एक्यूरेसी क्या होती है, लय को मैच कैसे किया जाता है, कि अगर मैंने बोला कि ये ताली चल रही है तो इसके साथ आप ताली लगा पाएं, और ये ताली लगाते लगाते भी आप अपनी बात कर सकें और लय आपकी टूटे नहीं। तो यानी लय की एक्यूरेसी, जिसे हम कहते हैं पिच परफेक्शन, वैसे ही ये स्पीड परफेक्शन, कि आपका स्पीड परफेक्टली मैच हो रही है, गीत में एक लय होती है, एक फ्लो होता है, वो समझें। फिर आप स्वर को समझें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हम एक सुर को, हम एक पिच को मान लेते हैं कि यहीं से हम सब पूरा हर गीत गा लेंगे, ऐसा नहीं होगा, 12 प्रकार के पिच होते हैं, उन 12 को समझें। फिर आप अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तो आप थाटों को समझेंगे। स्वरांगनी जो हमारी किताब है, अगर उसके क्रम अनुसार चले जाए तो उसमें सबसे पहले लय को सिखाया जाता है कि ठाह लय आप सबसे पहले समझें, फिर जो कुछ प्रचलित चलन हैं तालों के उन्हें समझें, जैसे कि दादरा, कहरवा, रूपक, जप ताल, तीन ताल, एक ताल, नौ मात्रा, ये कुछ ऐसे चलन हैं जो ज़्यादातर चलते हैं, ये ताल की जातियाँ हैं, इनके थ्रू हम लय और लयकारी समझते हैं, ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन, पांचगुन, छहगुन, सातगुन, आठगुन, ऐसी लय करते हैं, मुश्किल लयकारियों में भी जाते हैं, आड़कुआड़, बेआड़, सवा गुना, डेढ़ गुना, ये जिसे कहते हैं, इनको भी हम समझते हैं, फिर विलंबित में भी जाते हैं। तो लय का चैप्टर चलते चलते साथ में सुर भी इन्वॉल्व होते हैं, हम अलंकार सीखना शुरू करते हैं, प्रारंभिक अलंकार, फिर बलपेंच के अलंकार, मुश्किल अलंकार, मेरखंड अलंकार, अलंकारों को और तालों को दोनों को हम लय के साथ बांध के पिरो के फिर सीखते हैं, कि जब हमने तालें सीखी और अलंकार सीखे तो उन्हें कैसे एक लय में चलाना है, कैसे उनकी लयकारियां करनी है। ये शास्त्रीय संगीत का आपको सिलेबस बता रहा हूँ शुरुआत के लिए, कि आपको ये सबसे पहले सीखना होता है। उसके बाद आप अलग अलग थाटों को यानी स्वरों के अलग अलग क्रमों को समझते हैं, कि कोमल, तीव्र, शुद्ध के कॉम्बिनेशन अलग अलग, फिर आप 12 पिचेस को समझते हैं। जब इतना इस जाल में, आप इस जंजाल में फंस कर, इससे उलझ कर, सुलझ कर, यहां से लड़ कर, जीत कर निकलते हैं, तब जाके आप राग पर आते हैं, और फिर जाके आप राग में ख्याल, बंदिशें, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, सरगम गीत, आलापचारी, आलापतान, तराना, द्रुपद, ये जो भी है वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको लय और सुर समझने होते हैं। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो सारी डिटेल आपको मालूम चलेगी। तो दो चीज़ें हैं जो बताई मैंने, लय और सुर को समझें सबसे पहले, वो हमारा फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए, और उससे भी पहले हमारे मेंटालिटी तय होनी चाहिए कि क्यों सीख रहे हैं और क्या सीखना क्यों ज़रूरी है और कैसे सीखेंगे। फिर इसी में सवाल आ जाते हैं ना, कि आप कितना समय एक्सपेक्ट करते हैं संगीत से, और एक्चुअली में कितना लगता है, और जहां आप जाना चाहते हो, जो मकसद है, उस मकाम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये कुछ सवाल हैं, इनके अगर जवाब नहीं पाए तो कैसे सीखोगे बिना इन पर मंथन किए, बिना सोचे समझे बस कूद पड़े इसमें। इसीलिए तो बीच में फिर हार के लौट आते हैं, जब हम ये प्लानिंग ही नहीं करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर एग्जीक्यूशन होता है। पहले प्लान करते हैं आप कि मुझे वहाँ पहुँचना है, वहाँ जाना है, कितनी देर लगेगी, रास्ते में क्या क्या आएगा, क्या क्या सामान पैक करना है, कितना समय मुझे लेना है। हर एक टूर की एक प्लान होता है ना, तो उसी तरह संगीत के रास्ते पर निकल पड़े हो तो ये जानना ज़रूरी होगा। आखिर में एक बात को बोलकर मैं एंड करूँगा, जो मैंने रॉबिन शर्मा, एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी किताबें हैं कई सारी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, हू विल क्राई व्हेन यू डाई, ऐसी कुछ उनकी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे मालूम चली थी, हैप्पीनेस, खुशी को लेकर। हैप्पीनेस कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप खुश हैं, होते हैं, ऐसा नहीं कि ये काम करूँगा तो खुश हो जाऊँगा। उसी तरह से संगीत, संगीत में रस जो मिलता है वो उस ही समय मिल रहा होता है। संगीत इस मकसद से न सीखें कि एक बड़े कलाकार बन जाएंगे फिर जो मिलेगा। जब बड़ा कलाकार बन जाते हैं तो नाम, शोहरत, पैसा ये मिलता है, उसकी खुशी होती है। संगीत की खुशी तो उसी समय मिल जाती है जब आपने सीखना शुरू कर दिया, या जब सीख रहे होते हैं, जब साह लगाया उसी समय उसकी प्रसन्नता, उसका आनंद मिल जाता है। तो संगीत इस वजह से न सीखें कि हमें बड़ा कलाकार बनना है, वो एक माइंड में होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स वो एक मोटिवेशन है, वो एम्बिशन है, वो अचीवमेंट है, आपके टारगेट्स हैं कि मुझे बड़ा कलाकार बनना है, मुझे छोटा मोटा नहीं बनना है।
वो अच्छी बात है, लेकिन वो अगर मकसद बन जाए तो आपके सीखने में अड़चन आती है, रोड़े आते हैं, फिर आपको जल्दबाजी होती है, जल्दी से जल्दी सीखना होता है, आपके मन में डाउट्स आते हैं, शंकाएं आती हैं कि यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा, इतना टाइम मुझे क्यों लग रहा है, क्या ऐसा ही होता है, उमूमन इतना ही टाइम लगता है, हम समर्पण को खो देते हैं। ठीक है, तो चलिए, खैर ये बात को बोलकर मैं एंड करना चाहूँगा। सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें इस वीडियो को भी, कमेंट्स में बताएं क्या मेरी बात सही लगी आपको या नहीं लगी। शुक्रिया।